नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन के साथ 6 महीने से मायके में रही पत्नी को पति ने लोहे की रॉड मारकर बुरी तरह जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने ससुराल में जमकर तोड़फोड़ की और करीब 30,000 रुपए का नुकसान भी कर दिया। आरोपी का नाम कोराडी विद्युत विहार कॉलोनी निवासी निखिल अरविंद निम्बालकर बताया जा रहा है। जरीपटका पुलिस स्टेशन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक निखिल की पत्नी प्रियंका कोराडी पावर प्लांट में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। बताया गया कि प्रियंका और निखिल की ये दूसरी शादी है। पहले निखिल भी नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बेरोजगार था और इसी बात पर पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इससे परेशान होकर प्रियंका न्यू इंदिरा लाइन लोहापुर में अपने मायके चली गई। उसे अपने मायके आए 6 महीने हो गए थे और बार बार बुलाने के बाद भी वह निखिल के घर नहीं आ रही थी। ऐसे में दोपहर करीब 5 बजे निखिल अपने ससुराल पहुंचा। वहां उसने प्रियंका की मां रेखा शंभरकर और बहन अंकिता शंभरकर से झगड़ा और फिर मारपीट शुरू कर दी। निखिल के हाथ में लोहे की रॉड थी। बीच बचाव करने पहुंची प्रियंका के सिर पर निखिल ने रॉड मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद निखिल ने घर में रखी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और बाकी चीजों की तोड़फोड़ की और वहां से चला गया। प्रियंका की शिकायत पर जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज कर निखिल को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी जरीपटका पुलिस ने दी है।